डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज घटी यंत्र ग्रहणी रोग के रोग का परिचय और चिकित्सा बतला रहा हूं। जिस रोग में ग्रहणी रोग के वात पीत कफ सभी लक्षण हो और मल त्याग करते समय जिस तरह जल में घड़ा को डुबाने से जो आवाज़ करता है या आवाज़ आता है, उसी तरह रोगी मल त्याग करते समय आवाज़ आता है। और अगर रोगी जो है लेटने पर या करवट फेरने पर आपको पानी में घड़ा को डुबाने के समान आवाज़ करता है, जिस तरह पानी में घड़ा को डुबोते हैं और आवाज़ आता है, उसी तरह पेट से लेटते समय या करवट बदलते समय आवाज़ होता है और दर्द होता है और पेट जो है फूल जाता है, यानी पेट फूला हुआ रहता है और आँत जो है अधिक कमज़ोर हो जाता है और आपको पीड़ा होता है, घबराहट उत्पन्न होता है। तो इसी को घटी यंत्र ग्रहणी रोग कहते हैं। और यह रोग जो है बहुत जानलेवा है, यानी जानलेवा बीमारी है, भयंकर रोग है। कभी कभी इसकी उपेक्षा करने पर रोगी को मौत भी हो जाता है। इसलिए इसका जो है तत्काल चिकित्सा किया जाए तो रोगी जो है बच जाता है और स्वस्थ हो जाता है। तो मैं आपको चिकित्सा बतला रहा हूँ। अतीस ले लीजिए, आपको मोच रस ले लीजिए, दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लीजिए और चूर्ण बनाने के बाद 2 ग्राम प्रातः 2 ग्राम संध्या को जल के साथ सेवन करने से घटी यंत्र ग्रहणी रोग समाप्त हो जाता है। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।